नमस्कार दोस्तों, एडवोकेट हिनू महाजन। आज जो सूचना मैं आपको देने जा रही हूँ, ध्यान से सुने। इस सूचना को सुनकर कुछ लोग बहुत खुश होंगे और कुछ लोग बहुत निराश होंगे। दिल्ली सरकार ने ये निर्णय लिया है कि 2020 से 2021 और 2021 से 2022 यानी कोरोना काल के दौरान प्राइवेट स्कूलों ने जिन बच्चों से फीस वसूली थी उसे दिल्ली सरकार वापस करेगी। यह सूचना सुनने के बाद आप लोग बहुत खुश हो रहे होंगे, मगर ज्यादातर लोग इसका फायदा नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि यह नोटिफिकेशन केवल उन बच्चों के लिए है जो हिंदू नहीं है। आप कह सकते हैं, क्या हिंदू होना कोई गुनाह है? आज इस बात का जवाब मेरे पास नहीं है। दिल्ली सरकार ने जो नोटिफिकेशन जारी की है उसके मुताबिक जो बच्चे हिंदू नहीं है उन्हें प्राइवेट स्कूल फीस वापस करेगी। मैं ये नोटिफिकेशन कमेंट बॉक्स में संलग्न कर रही हूँ ताकि जो बच्चे इसकी हकदार हैं वे प्राइवेट स्कूलों से अपनी फीस वापस ले सके। बाकी मैं ये बात जनता पे छोड़ती हूँ कि जनता इस बात की आवाज उठाए और दिल्ली सरकार को मजबूर करे कि ऐसा नोटिफिकेशन या तो सभी बच्चों के लिए होना चाहिए या किसी के लिए नहीं। मैं केजरीवाल जी से यह भी कहना चाहूंगी कि केजरीवाल जी एक तुष्टिकरण का जहर कम से कम मासूम बच्चों में तो ना घोले। या तो ऐसा नोटिफिकेशन सभी बच्चों के लिए होना चाहिए या किसी के लिए नहीं। अगर कोई बच्चा गरीब है, वह किसी भी धर्म का हो, जात का हो, उसकी फीस माफ हो, किसी को कोई इतराज नहीं। मगर कोई व्यक्ति सक्षम है या यूं कहूं इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन की कैटेगरी में नहीं फॉल होता, उसे केवल धर्म और जाति के आधार पर उसकी फीस माफ की जाए, यह ठीक नहीं है। और क्यों माफ की जाए? क्या हिंदुओं ने कोई कसूर किया है? केजरीवाल जी, मैं आपसे कहना चाहूंगी कि सुधर जाओ और ये तुष्टिकरण का जहर कम से कम मासूम बच्चों में तो ना घोलो। धन्यवाद।